पर अगर हम हाइलाइट्स के ऊपर नजर डालें, ये सबसे पहला एक तरीके से होता है डर के आगे जीते मूवमेंट में, एंड मुझसे मूवमेंट्स बहुत बेहतरीन निकल गया। पीमे का ये M24 शॉट, ये होता है एक एग्जैक्ट डर के आगे जीते। जी हाँ, बहुत सारे डर के आगे जीते मोमेंट्स हमारे को देखने को मिले इस गेम के अंदर। और क्यों नहीं, क्योंकि मैच के अंदर आपको थोड़ा फियरलेस रहना ही था जब थर्ड पार्टी कॉन्स्टेंट थर्ड पार्टीज की हम बात कर रहे हैं। आई मीन ये देखिए फाइट, एक पेड़ के अराउंड दो प्लेयर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे को जिगल पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जब हम ट्रांजिशन कर रहे थे हमारी लेट गेम के मोमेंट्स पे, तब वो एक ओपन हेल पे यहाँ पे टीम्स को अपने लिए अच्छी पोजिशन क्रिएट करनी थी और चिकन डिनर निकाला था इस गेम में। बिल्कुल, और अब सर्कल के शिफ्ट की बारी आती है जब एंडिंग के एरिया दूसरे पांच टीमें बचती है उसके अंदर। अब उससे मेगा ग्रेनेड्स, इफ यू रिमेंबर बैक, ये ग्रेनेड्स पहला ग्रेनेड बेहतरीन था, उसके बाद के ग्रेनेड्स थोड़े से ओवरशूट कर गए, बट उसके अलावा जब सेल्स के प्लेयर सर्कल के बाहर से उन्होंने दिक्कतें दे रहे थे, सर्कल को अपना किल दे दिया, वो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आए। बट आरआरक्यू, आई वुड से आरआरक्यू ने एक बहुत बेहतरीन गेम प्ले दिखाया, काबिले तारीफ गेम प्ले दिखाया। जी सेल्स की अगर बात करें तो आतंकी थे, आई थिंक उनके लास्ट प्लेयर जो सर्वाइव करते, बट जिस तरह से वहां पे उन्होंने स्टिल एक नॉक निकाला कंफर्म करने की कोशिश की, बट जो रिटर्न फायर आया था उसमें वो डाउन हो गए थे। कोशिश काफी अच्छी थी, अगर थोड़ा ऑल अर्ली रोटेट करती वापस सेल्स तो शायद हमें रिजल्ट अच्छे देखने को मिल सकते थे। लेकिन मेगा वैक्सी, जैसे हम बात करते थे जो हमारे सेक्सी वैक्सी है, उनके ये जो नेट्स पूरा एक रेड जोन बनाए थे जैसा उसने बताया। हाँ, नेट्स ओवरशूट कर रहे थे लेकिन उससे पहले ही इन्होंने आरआरक्यू के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर दी थी। एंड यूडू के लिए मुश्किलें ये हुई, अगर आप देखो फाइनल सर्कल था, यूडू के प्लेयर अपनी लोकेशन पर ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ चुके हैं। आई मीन वो PMPL था जब एक डर के आगे जीते मोमेंट होता था, अब वर्ल्ड लीग है, अब इंटरनेशनल स्टेज यहाँ पे हिट कर चुके हैं हम, और अलग अलग रीजन्स की टीम यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट प्ले स्टाइल आपको देखने को मिल रहे हैं। एक फाइट जो बिल्कुल अर्ली गेम में हमको देखने को मिलती वो फ्री स्टाइल की एक फाइट थी जो एक एक करके हमने देखा था प्लेयर्स को पिक ऑफ होते और उसके बाद फिर चार्जिंग के बाद पूरी टीम फिनिश हुई थी। बिल्कुल, एंड फ्री स्टाइल वो पहले मैच में मोमेंटम था उनके पास, बट देखता आगे आने वाले मैच में कैसे करेंगे। बट ये जो गॉडलेस का जो एक गॉडलेस स्प्रे था यहाँ पे, गॉडली स्प्रे था उनका, तीनों प्लेयर एक ही स्प्रे में नॉक, वो भी मूविंग व्हीकल बिल्कुल सामने आ रही थी उनके, और वो एक अच्छी पोजीशन होती है प्लेयर्स को एम करने की, उन्होंने उसको यूटिलाइज काफी अच्छे से किया। फिर T1 की भी फाइट यहाँ पे हमको देखने को मिली, जो ले रहे थे वो सामने उनके थी नोवा गॉडलाइक की स्क्वाड, और इसमें भी गॉडलाइक की पोजीशन आई वुड से एक काफी ज्यादा ओपन, काफी ज्यादा एक्सपोज पोजीशन में वहाँ पे फाइट लेने का भी नहीं, वो रोटेट करने की अटेम्प्ट कर रहे थे और वहां पे पकड़े गए थे। बिल्कुल, और वो लोग रोटेशन के साथ फंसे थे, बट यहाँ पे BTR के प्लेयर जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा लेट किया, अगर आप मिनी मैप की बात करो दोनों प्लेयर बाहर प्रोन होकर वो किल्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर जैसे ही ब्लू जोन उनके आगे से गया, देन दे रियलाइज कि अब थोड़ा लेट हो चुका है जोन के अंदर चलने, बट फिर बाद में ऊपर टीम हैंडी स्लेयर जो पोजीशनिंग थी वहां पे वो पूरा यूटिलाइजेशन करके वो अपने लिए किल निकाला, अपनी टीम के लिए किल निकालने के, बट यहां पे टीम हैंडी स्नैक्स इनका स्प्रे कहीं भी मिस नहीं होता है। बट आपकी स्क्रीन में जिस तरीके से ऑरेंज रॉक ने अब यहां पे आप लोगों को किल दिखाते हुए निकले, अब यहां पे देखो 7 किल्स है टीम के, गिल के पास 3 है, स्काउट के पास भी यहाँ पे 6 से 7 किल थे, बट अब यहाँ पे स्काउट थोड़ा सा क्लोज इन करते हुए जाएंगे, एंड अचानक से 11 किल हो जाते हैं। फिर वहाँ पे वीरू का भी एक किल वहाँ पे कंफर्म होता है आपकी स्क्रीन में, बट फिर वापस से T1 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए, बिकॉज अब आप ज़्यादा यू कैन से अगर आप डेडिकेटेड रहोगे एक टीम के लिए और राइट और लेफ्ट नहीं देखो उसे चलते, स्प्लिट हो गई, एक पेयर कार में जा रहे एक पेयर पीछे से पैदल आ रहे, तो फिर आप ऑफ गार्ड पाया जाओगे। एंड यहाँ पे ऑरेंज रॉक ने बहुत ही एक क्लिनिकल फिनिश दिखाई इस वाले मैच के एंड में, जहाँ पे सेल्स के प्लेयर आखिर में बचे जरूर थे, बट वो एक डिफरेंट कॉर्नर था, और वो किसी सब प्लेयर्स ने और टीम्स ने अपना जो फियरलेसनेस जो होता है वो हमको दिखाया था इस गेम के अंदर, और मैच के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमको फाइट देखने को मिली थी जैसे हम बात कर रहे थे पीछे। बिल्कुल, फाइट्स जरूर देखने को मिलती है, और इसका रीज़न यही है कि क्योंकि रोजॉक में जैसे दो स्क्वाड्स फाइट कर रही थी, तो T1 की टीम ने सोचा कि इस बार थोड़े से साइड पे खेले, अपार्टमेंट्स की तरफ से थोड़ा खेले, बट वो स्ट्रैटेजी उनके लिए कम्प्लीटली बैकफायर कर गया। बट BTR इस बार अच्छा खासा रिस्पॉन्ड करी है, ऑरेंज रॉक ने भी अच्छा खासा स्टार्ट किया था, इवन मिड पे भी देख रहा था, तो वीरू और स्काउट ओपनर सबसे ज़्यादा चल रहे थे, डैमेज की अगर बात करें तो उनकी डैमेज हाई थी, बट यहाँ पे सिनर्जी की थोड़े से यहाँ पे प्रॉब्लम्स कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। ऑस्टिन से मेरी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, ऑब्वियसली टेड ने ड्यूरिंग द सीडिंग वीकेंड भी अच्छा खासा परफॉर्म करा था Day 2 पे, बट उनकी जब बाकी प्लेयर्स की बात करें तो उनसे हमको बहुत ज़्यादा देखने को है अभी भी। ये टीम भी एक ऐसी है फ्री स्टाइल जैसे हम बात कर रहे थे कि परफॉर्म इन्होंने भी इस गेम में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है कंपेयर टू इनके लास्ट गेम, तो इरेंगल्स फ्री स्टाइल के लिए भी अच्छे जा रहे हैं, बट अब देखना होगा कि क्या उन्हें कन्वर्ट कर पाता है वो पॉइंट बूस्टर में। अभी के लिए आई थिंक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे टॉप 16 के अंदर ही रहना है कि सुपर वीकेंड के मैचेस किसी तरह यहाँ पे टीम्स
देखते हैं कि कौन कौन से वो क्रूशियल मोमेंट्स थे जहां पे एक प्लेयर ने अपनी टीम के लिए सिचुएशन टर्न अराउंड करी थी। तो यहां पर जो इनिशियल फाइट थी, जो फाइट्स निकल कर आ रही थी, वो भी उन्होंने सेकंड सर्कल से एक तरीके से बहुत पावरफुल फाइट्स हमें देखने को मिले। जो आप देख सकते हैं सर्कल जा रहा है 12 मिनट के बाद, जो हम विकेंडी के स्लो पे स्टार्टिंग बोलते हैं, इन सब फाइट्स में फिर रिमेंबर सेल्स वाली जो एक फाइट थी उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जब मोलोटोव आया था, मोलोटोव के अंदर उनका रश था, वो काइंड ऑफ यू नो एक नेगेटिव इंपैक्ट दे गया टीम को, अदरवाइज सेल्स वो फाइट निकाल सकती थी। एंड वंस अगेन हमें वही चीज देखने को मिल रही है जैसे हमने पिछली बार, तो नो चांस के गॉडलेस है, बार आरआरक्यू की तरफ से देखने को मिला व्हीकल से प्लेयर को निकलने तक की अपॉर्चुनिटी नहीं जाती, गाड़ी दिखती और प्लेयर्स के सीधा हेड पे वहां पे क्रॉस हेड जाके जो है शॉट फायर होते हैं। दिस इज द मोमेंट, इससे पहले जब देखा बीयर 11 के 3 किल्स आए थे, मैंने बोल दिया था आरआरक्यू ये गेम अपना निकाल सकती है, उसके बाद नो चांस के प्लेयर्स अंदर जाते हैं। और जब बिकॉज डायनो पार्क का जो सर्कल था, अगर आप एंड एंड मोमेंट पे भी देखो, वो जहां पर 4-5 टीमें उस मेज में थी, आरआरक्यू से बाहर थी, वो वेटिंग कॉज उनको पता है सर्कल का हल्का सा एरिया उनके पास है, जो भी टीम वहां से बाहर निकलेगी आरआरक्यू ऑब्वियसली दे वर रेडी, दो प्लेयर्स हैं चाहे तो एक प्लेयर गन निकाल सकता है और एक प्लेयर हील्स निकाल सकता है, दोनों तरीकों से ये न्यांग उनका काम कर रहा था जी। और वो दोनों बैकअप प्लान्स हम बोल सकते हैं, हाँ। तो बैकअप प्लान रखना यहाँ पे टीम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया। डायनो पार्क हमेशा से एक काफी इंटरेस्टिंग जगह रहती है कि अप्रोच करना उस एरिया को काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो अंदर फाइट्स लेना भी बहुत ट्रिकी हो जाता है, बेस्ड ऑन किस तरह के स्ट्रक्चर्स वहां पे हमको देखने मिलते हैं, वो मेज रहता है, वो रोलर कोस्टर रहता है, फिर वो जो छोटे छोटे टूल बूथ्स, जो टिकट बूथ्स होते हैं हमारे, वो मौजूद होते हैं, और वहां पे भी आपको अपनी पोजिशनिंग का ध्यान रखना पड़ता है। ये फाइट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुई थी जो मेज में हमने लास्ट फाइट देखी थी, सॉर्ट ऑफ एन एंगेजमेंट जो हमने देखा था बिटवीन यू टू गैंग और नो चांस, और इसी जो एक लंबा एंगेजमेंट था इसी ने आरआरक्यू को टाइम दिया प्लेयर्स को सोचने का कि बीयर 11 वहां पर यू नो आगे जाएंगे या फिर हील करेंगे, कौन सा प्लेयर क्या करेगा, उसी चीज ने एक ऊपर। और यहाँ पर शुरुआत बिल्कुल अर्ली स्टेज वाली फाइट से होती हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप चाहते हो कि व्हीकल आपके पास एक या दो एक्स्ट्रा मेरे, उसी के चलते आप अपने एक या दो प्लेयर खो भी देते हो। टीएसएम एंटिटी के भी प्लेयर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जब वो लोग मेंशन वाले एरिया पर रुके जरूर थे, पीफर यहाँ पे जरूर देखने को मिले थे जॉनथन, उसी के चलते उस जॉनथन जैसा स्प्रे इफ आई एम नॉट रॉन्ग की कोई भी वो जो एक असॉल्टर्स की दुनिया में कोई भी है उनके क्लोज, बट फिर बाद में यहाँ पे केओजी के प्लेयर्स जैसे जॉनी ने बताया ये फाइट्स यहाँ से शुरू होने शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे D2 ने जो एक स्प्रे डाला था और स्काउट को नॉकडाउन जरूर करा था एंड मैं बोलूंगा कि फिनिश करने के लिए, बट फिर मावी ने मेक श्योर करा कि वो किल कंफर्म ना हो। D2 का वो मूव आई वुड से वो एक बहुत गलत मूव था, क्योंकि उनके पास उससे पहले फिर भी एक पेड़ का कवर था और वो टाइम बाय आउट कर सकते थे अपनी टीम मेट्स के आने का, बट वो स्काउट को उन्होंने ओपन में फॉरवर्ड किया और बिल्कुल खड़े होकर उन्होंने लड़ाई ली थी वहां पे वो। बट फिर अर्नी ने यहाँ पे एक नॉकडाउन करा था, बट बाकी के जो मॉफ के जो प्लेयर थे वो लोग फॉल बैक कर गए थे, बट फिर यू लेवल अप के प्लेयर्स ने दिक्कत जरूर दी थी यहाँ पे टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को, बट फिर वही क्लोज एनकाउंटर की फाइट आ जाती है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो प्लेयर्स इतने ज्यादा दूर हैं और पांचवें जोन में हमारे पास 10 टीमें जिंदा थी, अब इसके बाद केओजी के प्लेयर्स के पास हाइट थी और इन के प्लेयर्स क्लोज इन करके फाइट बहुत प्यारी तरीके से उन्होंने खत्म करी। मावी का जो एक आखिरी ग्रेनेड आता है वो खत्म करके जाता है, वो द मैन विद द गोल्डन हैंड अगेन। जी हां, मैन विद द गोल्डन हैंड अगेन, नेड उनके हाथ में है, पिन पुल किया है, सामने कोई ना कोई तो नॉक निकालेंगे। ये वो मोमेंट था जहां पे केओजी की हम बात कर रहे थे, इस टाइम पे केओजी की पोजीशन काफी अच्छी थी, आप अगर मिनी मैप की तरफ नजर डालें वो सारे के सारे जो ओपोनेंट्स हैं उनके सामने, उनको अपनी बैक से वारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके टीम सीक्रेट जिनके पास सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशन थी, उन्होंने सिचुएशन को टर्न अराउंड ही कर दिया था पूरा। बिल्कुल, और केओजी के प्लेयर्स के पास आप देखो कि अच्छी से पोजीशन जरूर थी, बट टीम सीक्रेट के पास वो प्रोमिनेंट कवर थे जहां पे प्लेयर्स को नीचे आना था जोन पे, एंड टीम सीक्रेट के प्लेयर को दिक्कत भी थोड़ी सी इसलिए भी हुई क्योंकि राइट साइड से फ्लैंक भी आ रहा था, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी एक टीम थी, अब आरसीएस के प्लेयर्स को भी अच्छे स्पॉट किया, मैट टॉय ने अच्छे तरीके से यहाँ पे निकाला, बट यहाँ पे आई शॉट्स के प्लेयर इस प्लेयर का स्प्रे मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। अगर हम बात करें हाल ही में उन्होंने ऑरेंज रॉक के जो गिल थे उनको भी फिनिश करा चलती वाली कार से, एंड इस वाले मैच में कुछ ऐसा ही करके दिखाया टीम सीक्रेट के प्लेयर।